चुनाव अभियान के दौरान चलते चलते कुछ झारखंड की भी जो खास चीज़ें हैं उन जगहों का भी हम आपको दर्शन भी कराएंगे, उनके ऐतिहासिक तथ्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम तमार जब आए तो विधानसभा चुनाव के कवरेज के बाद हम सूर्य मंदिर पर आए। सूर्य मंदिर को लेकर कई मान्यताएं, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सूर्य मंदिर का फोकस है यहाँ पे, उसके मंदिर के अंदर सूर्य किस आकृति में दिखाई देता है, ये हमने आपको दिखाया। पंडित जी, यहाँ पे सूर्य मंदिर बनाने की क्या बात है? आदिवासी जाति के लोग सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे और इनकी पूजा आराधना करने से कुष्ठ रोग और शरीर में एक शक्ति का प्रबल होता है, कुष्ठ रोग से निवारण होता है। अच्छा, क्या मतलब कैसे ये बल निर्माण शुरू हुआ? ये रांची के हमारे सीताराम मानो जी संस्कृति विहार के अध्यक्ष, वही भ्रमण करते समय इसमें आए थे और आदिवासी जनजाति से सब जमीन को दान में लिया और बनवाया। अभी कब ये बना है, कितने दिनों में बनते हुए? इसका करीब 49 साल लग गया बना हुआ, हो गया 94 में पंप प्रतिष्ठा हुआ और 89 में इसका शिलान्यास हुआ। 89 में इसका जो रिपोर्ट बनाया गया है, अगर आप इसी तरीके का आपको सूर्य किस तरीके से निकले हैं वो अंदर प्रवेश में इतना उसकी आकृति वहाँ हो गया। इसी तरीके से बनाया गया कि कई यहाँ पे आदिवासी जनजाति के लोग पूजा करते थे सूर्य का, लेकिन सूर्यास्त कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जरा हम चाहेंगे संतोष दिखाइए कि सूर्यास्त का वो नज़ारा, वो एकदम पहाड़ के नीचे धीरे धीरे वो छुपता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दीवार किस तरीके से जब वो रोशनी जो सूर्य की रोशनी आ रही है मंदिर में, इस तरीके से आकाशन की गई है कि आ रही है ये नज़ारा आप देखिए, ये आप देखिए सूर्य का एक आकृति जो जिस तरीके की सूर्य दिखाई जिस लालिमा दिखाई देती है ठीक उसी तरीके जैसे अभी आप सूर्यास्त के समय में जो चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ठीक इसकी आकृति आप यहाँ देख सकते हैं कि साफ साफ सूर्य मंदिर के दीवारों पर ये आकृति आप देख सकते हैं। ये खास है और आदिवासी समाज हजारों हजार वर्ष से पूजा कर रहे थे इस स्थल पर, इस स्थल पर एक खास चीज़ें यही लगी और ये मंदिर के सहारे आप सूर्यास्त को आप देख सकते हैं। हालांकि झारखंड में कई ऐसी जगह है जहाँ अगर आप नेतरहाट में जाएंगे तो वहाँ एक जगह ही बना हुआ है जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त को आप देख सकते हैं। लेकिन ये सूर्य मंदिर बिहार के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में सूर्य मंदिर देव मंदिर जिसको आप कहते हैं, झारखंड में भी इस मंदिर की महत्ता इसी तरीके की है। आदिवासी समाज को लेकर काफ़ी लोग इस मंदिर को देखने आते हैं और ये मंदिर में खास क्या, हालांकि ये जो है सो 40 साल पहले ये मंदिर बन कर गया हुआ, लेकिन इसकी खासियत ये है कि पूरी तौर पे इस मंदिर को जो भौगोलिक ग्रह नक्षत्र की जो मान्यताएं रही हैं उस मान्यताओं के आधार पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया है, ये खास है। चलिए अब हम आपको आज सूर्य मंदिर दिखाएं। हम तमाम विधानसभा क्षेत्र में जब हम इस खास चुनावी कैंपेन में चर्चा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन इलाकों की खास जगह रहेंगे जिस जगह पर अगर आपको हम बताएँ कि झारखंड में क्या खास है तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज इसी तमाम विधानसभा के चलते चलते हमने आपको दिखा दिया सूर्य मंदिर और बोला कि दसम और भी विधानसभा क्षेत्र में कोई मौका मिला तो इधर से आ जाओ, और के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सूरत का जो अपना एक सात घोड़ा लेकिन की पहचान है, देख लीजिए सात घोड़े जो एक पहचान है वो सात घोड़ा आप यहाँ पे जब आप मंदिर के प्रवेश द्वार पे ये सात घोड़ा आप देख सकते हैं। ये एक सूरज का अपना एक, और देखिए किस तरीके से जो चक्र है ये आप सात चक्रों के सहारे सूर्य की कल्पना की जाती थी। जो हम आपको बता रहे थे कि जो इनका मंदिर का निर्माण है पूरी तरीके ग्रह नक्षत्र की दशा जो हमारी एक पहचान रही है इस फील्ड में
काम करने का ग्रह नक्षत्र के क्षेत्र में हमने भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में काफी काम किया है। वो एक छठा अंदाज बनाया जो हमने देखिए सूरत का सातवां थोड़ा जैसा सात घरों की वो सवारी करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिख मंदिर के आगे सब ये दिखाने की कोशिश की है कि सूर्य सात घोड़े पर सवार होकर सवार हैं और कहीं निकलने की तैयारी में। सारे घोड़े आपके जीवन के, हर घोड़े का अपना एक अलग अंदाज है जो उससे लगता है कि वो आइए कहीं निकलने के लिए तैयार हो। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको हर बार आपको जो है तो जहाँ कहीं भी आप जिस क्षेत्र में जाएंगे इस तरह की जो भी चीज़ें होंगे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हो चाहे हिस्टोरिकल वो इमेज जानकारी देने वाली या फिर कोई टूरिस्ट पैलेस उन सब चीज़ों को हम आपको इस चुनाव कैंपेन के दौरान ही दिखाते चलेंगे। चलिए कैमरामैन संतोष के साथ संतोष कशिश न्यूज तमार झारखंड। हमने आपको कहा था कि चलते चलते ये इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है कि चलते चलते। जी हाँ, चुनावी कैंपेन के सहारे चीज़ों को राजनीति को समझने की तो कोशिश हम करते हैं, आपको दिखाते भी हैं, लेकिन आपको हम उस इलाके से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी हम बताते हैं कि भाई इसमें जैसे पर्यटन से हमने आपको सूर्य मंदिर दिखाया और हम आपको आज दिखा रहे हैं ये चाईबासा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा जो एक ये देख रहे हैं आप ये अर्जुन का पेड़ है। 8-10 की संख्या में अर्जुन का पेड़ होगा लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, किंवदंती भी हैं, कई तरह के साइंटिफिक चीज़ें भी हैं, लेकिन आज भी इस 21वीं सदी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं भारत में जिनको साइंस अपने तरीके से परिभाषित नहीं कर पाई है, या साइंस उस जो कहता है कि हम हर चीज़ों पर हम की खोज की दिशा में बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। देखिए सामने सीधे जो अर्जुन के पेड़ के ठीक नीचे से ये जो आप नल नुमा जगह से जो पानी निकल रही है, जल ही जीवन की बात होती है, बात हो रही है कि पानी बचाइए, तो हम आपको बताएं कि ये पूरे कैंपस में अलग अलग जगहों पर हम दिखा देते हैं। पहले ये देखिए ये जो पानी गिर रहा है हर जगह जहाँ कहीं भी पेड़ के ये है इस जगह से पानी आपको गिरते हुए दिखा, ये पूरा पानी जो आप देख रहे हैं बह रहा है पानी, आप देख लीजिए ये सारे पानी बह रहे हैं। ये कहा यह जाता है कि अर्जुन के पेड़ के नीचे से ये पानी का कोई स्रोत है जिस स्रोत से ये पानी निकला और पानी ये अनवरत गिरते हुए नदी में जाकर गिर जाता है। हम जल संचय की बात करते हैं और जल संचय की बात में ये देखिए कि और आपने देखा कि इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कई बीमारियों का अचूक इलाज इस पानी के पीने से होता है, इतना टेस्टी पानी होता है। लोग कलकत्ता से आते हैं, हमारे कोलकाता से भी आते हैं, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, स्थानीय रिपोर्टर हैं, उनसे हम जरा बात करना चाहते हैं कि जरा ये बताइए कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी आप लोगों को मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार खबर भी करते रहें इसको लेकर क्या जानकारी आप लोगों को है। जी संतोष सर धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चाईबासा शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित लुपुंगटू झरना काफ़ी प्रसिद्ध है इस ज़िले में। अगर देखा जाए यहाँ से जो कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता है कि पानी निकल रहा है अर्जुन पेड़ की जड़ों से, ये पानी जो है ये पेट के रोगों पेट से संबंधित जितने रोग हैं साथ साथ चर्म रोग इन सब के लिए बहुत लाभदायक है, ये रामबाण साबित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कई शोध भी किए इसको लेकर जिसमें उन्हें ये पानी अमृत के समान पाया गया है सर। अच्छा, ये इस तरीके से पानी निकल रहा है बह रहा है तो प्रशासन से या कभी ये नहीं हुआ कि इसके पानी को हम संचय करें और दूसरे जगहों पर जहाँ झारखंड में पानी पीने की पानी के लिए त्राहिमाम मचा है उन जगहों तक हम इस पानी को पहुँचाएं? नहीं, जल संचयन की जहाँ तक बात है सर तो इसको लेकर इसे थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया था मगर जब इसमें कंक्रीट का उपयोग किया गया तो पानी का जलस्तर है वो कम हो गया था, पानी निकलना थोड़ा कम हो गया था, इसलिए इसे पुनः फिर से खोल दिया गया ताकि जो कुदरत का जो की ताकत है उसके थ्रू जो पानी जो निकल रहा बस वो कंटिन्यू निकलता रहे सर। अच्छा, ये कोशिश नहीं हो रही कि इस पानी को कहीं और दूसरे टैंक लोडी या कुछ लगा के इसको पानी को संच करके दूसरे जगह भेजा जाए? जी नहीं, अब तक वैसा प्रयास तो नहीं किया गया मगर जो जैसे जानकार जो लोग हैं जैसे कोलकाता से भी लोग यहाँ आते हैं पानी लेने के लिए, संडे के संडे वो जनशताब्दी ट्रेन से आते हैं, सुबह पानी भरकर गैलन में लेकर जाते हैं क्योंकि सबका मानना है कि ये जो पानी है ये पेट संबंधी रोगों के लिए रामबाण अचूक उपाय है। ये पानी में खासियत तो बहुत कुछ है, पेट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये तो, समझे ना, और हम तो काफ़ी साल से यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं।
और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा, और शुगर के लिए तो बहुत बेस्ट है। समझे ना, दूर से आते हैं, जमशेदपुर से भी आते हैं, बिहार से भी बहुत कोई आए हैं, बिहार से भी लोग आते हैं। कई वर्षों से चल रहा है, तो आज तो अभी तो थोड़ा कम निकल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा सब तरफ से निकलता है आपका, ये जितना है ना ये जड़ सब पानी, और यहाँ गांव के लगभग लोग यहीं से पानी लेके जाते हैं पीने का। मन यहाँ का पानी पीने से बलता है, बीमारी सब नहीं होता है। पता तो चाहिए, बस तरफ से आते हैं, दूर दूर से भी कई लोग आते हैं गाड़ी बड़ी लेकर के। यहाँ मतलब पहले ऋषि मुनि रहता था, हाँ पहले बहुत पुराना समय में मेरा नानी सब यहाँ का थी ना, तो मैं तो फिर यहाँ पर शादी हुआ है ना, तो नानी लोग बोलती थी कि ऋषि सब निकलता था उस इसी समय इस जंगल में। हाँ तो वो वाला ये वाला पानी मतलब पीने में वो गैस्ट्रिक और क्या बोलता शुगर का दूर हो जाता है। पानी लेने से तो चाईबासा का पूरा आते हैं पता है तू, और आसपास का। चलते चलते एक और जानकारी हमें मालूम हुआ कि उस अशोक ये अर्जुन के वृक्ष के नीचे से जो पानी निकल रहा है, आपने सुना होगा कि हिमालय के कंदरा से नदियाँ निकल रही हैं, समुद्र में जाकर तमाम नदियाँ मिल रही हैं, पहाड़ से नदियाँ निकल रही हैं, बिहार में एक बूढ़ी गंडक नदी है जिसके बारे में कहा था चौर से नदियाँ निकल रही हैं। आप यहाँ एक छोटे से वन में वन के पेड़ के अर्जुन के पेड़ के नीचे से जो पानी निकल रहा है उस पानी से ये नदी देखिए नदी का वो रूप ले रहा है, मतलब लगातार अनवरत पानी इसमें जो हम आपको दिखाए थे उस जगह पे जिस पानी की उपयोगिता के बारे में हमने आपको दिखाया, हमें तो लगा कि सिर्फ वो लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो ये हमें जानकारी दी गई कि नहीं ये जो पेड़ के नीचे से जो पानी निकल रही है उस वो बाहर निकलकर एक नदी का आकार ले रहा है, और ये नदी ये हमारे स्थानीय संवाददाता हैं उनसे हम बात करते थे इस नदी के बारे में क्या, और फिर कहा जा रहा है कि उस वजह से संगम आगे दो और नदियाँ इसमें मिलती हैं। जी सर सही कहा कि ये जो रोरो नदी है और ये दुपुंग झरना है यहाँ आकर ये दोनों मिलते हैं, फिर एक नदी का रूप लेकर ये रोरो नदी आगे बढ़ती है जहाँ पर एक और छोटी नदी है उसके इसका संगम होता है, और ये सीधे जाकर फिर सरायकेला में अगर हम देखें तो ये खरखई में जाकर मिल जाती है। मतलब ये थोड़ा लगता है कि 10-15 पेड़ है अर्जुन का और उस पेड़ के सहारे इतनी बड़ी नदियाँ जो है सो लोगों को, कितना किलोमीटर लंबी ये नदियाँ हैं सर? अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ये बंगाल को भी टच करती है, क्योंकि ये नदी का जो संगम है यहाँ से रोरो निकलती है, थोड़ी आगे बढ़ने से संजय नदी, फिर वो जाकर खरखई जो सरायकेला में अवस्थित है उससे में मिलकर मानगो जमशेदपुर होते हुए फिर ये बंगाल की ओर चली जाती है, तो ये नदी काफ़ी लंबी नदी है। मतलब तो ये इस नदी में मान लीजिए पानी का सोर्स क्या है, इसके अलावा इस अर्जुन वृक्ष के अलावा इसका क्या सोर्स है? अर्जुन वृक्ष के अलावा एक छोटा सा आगे यहाँ से मतलब कुछ दूरी पर है एक माइंस है, और ये पहाड़ी नदियाँ हैं, पहाड़ों से जो पानी आता है उससे मिलकर ये नदी बन रही है सर आगे। तो मतलब ये अर्जुन का पेड़ एक उसको फिर से नई दिशा देती है, पानी उसके बहाव का और तेज़ का पेड़ जो है सर उससे एक नई गति प्रदान करता है, उसमें बहाव लाता है ताकि वो नदी आगे बढ़े सर। चलिए चलते चलते ये भी जानकारी मिली, और ये भी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अमूमन हम लोग जानते ये हैं कि हिमालय से अधिकांश नदियाँ निकलती हैं, पेड़ के जड़ से नदी निकलती हो ये आपने सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक छोटे से इलाके में मुश्किल से हमें लगता है कि वो 2 कट्ठा भी वो इलाका नहीं, 2-3 कट्ठे के करीब वो इलाका होगा जिसमें 8-10 अर्जुन का पेड़ है, और उसी पेड़ के नीचे से ये पानी बहती हुई नदी के धारा को इस स्वरूप इस तरीके से प्रदान करती है, और ये पानी बंगाल तक जाता है। चलिए जरा हम भी इस पानी का टेस्ट कर लें कि कैसा ये पानी है, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें ठंडक नहीं है, ठंडापन नहीं है पानी में, लेकिन ये देखिए पानी देखिए किसी फिल्टर्ड पानी से कम साफ दिखाई नहीं दे रहा है पानी, लेकिन टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट में ये जरूर लगता है कि किसी पेड़ के नीचे से ये पानी जरूर आ रहे हैं। ये जब आप कभी रात में तांबे वाले बर्तन में जब आप पानी डाल के अगर सुबह जो जब पीते हैं आप, तो ठीक उसी तरीके का टेस्ट इस पानी में भी आपको मिलता है। तो स्वाभाविक तौर पे तांबे के बर्तन में पानी को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। चलिए चलते चलते कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि देखिए किस तरीके से
अपने आप पेड़ के नीचे से सामने अर्जुन का पेड़ है और उसी पेड़ के सहारे ये अनवरत तरीके से पानी निकलते रहता है। गांव के लोग पीने के लिए आते हैं, आस पड़ोस के भी लोग आते हैं और रविवार के रविवार जो कह रहे थे हमारे रिपोर्टर कि लोग कलकत्ता से भी लोग आते हैं इस मतलब जो प्रकृति के गोद से जो पानी निकल रहा है इसको लेने के लिए। चलिए संतोष कैमरामैन हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम क्योंकि झारखंड की खूबसूरती को प्रकृति ने ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही रच बस कर बनाई है, हम भी इस चुनावी समर में ही सही उन चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे जो कहीं न कहीं एक नई जानकारी आपके लिए भी होगा, थोड़ा राजनीतिक उबाऊ विषय भी है और हर वक्त राजनीति राजनीति ठीक है चुनाव है तो हम चुनाव के समय उस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम आपको चलते चलते कार्यक्रम के सहारे हम आपको इन चीज़ों को भी दिखाएंगे। जैसे हमने आपको आदिवासियों का जो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल हो रहा था उन जगहों को भी आपको दिखाया, सूर्य मंदिर दिखा रहे हैं आपको और अब ये एक ऐसा जल स्रोत आपको दिखा रहे हैं जो अनवरत इससे पानी निकलती रहती है। चलिए कैमरामैन संतोष के साथ संतोष कशिश न्यूज चाईबासा। चुनावी अभियान के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पर्यटन के लिहाज से भी याद किया जा सकता है या एक दर्शकों को वो भी समझना चाहिए। जब आप कुरुबुरु आए जब चाईबासा से सरंडा जंगल की तरफ आप प्रस्थान करें तो एक जगह आता है कुरुबुरु। कुरुबुरु में कहा यह जाता है कि हालांकि नेत्रहाट भी है जहाँ सनसेट और सनराइज दोनों बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन एक स्पॉट यहाँ पे है जहाँ पे सूर्यास्त को लेकर सनसेट को लेकर बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है और लगता है जैसे सूर्य पहाड़ों के अंदर जा रहा है। ये एक अद्भुत दृश्य होता है तो लोग उसमें आते हैं देखने के लिए। हम उसी टॉप हिल पे चढ़ रहे हैं, जब आप कुरुबुरु आए तो उस टॉप हिल पर आप चल सकते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि 700 पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी पहाड़ी, हम उसी की तरफ आपको ले चलते हैं। थोड़ी ऊंचाई पे आपको चढ़ना पड़ेगा और ऊंचाई पे चढ़ने के दौरान थोड़ी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। हाइट है लगभग 200-250 फीट ऊँचाई पर आपको चढ़ना है। कहा जाता है कि इस पे बंदर का बड़ा प्रकोप रहता है तो हम आपको ले चलते हैं उस टॉप हिल पे जिस हिल से सनसेट का एक बढ़िया खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हालांकि हम आपको सनसेट का भी नज़ारा दिखाएंगे और आपको साथ ही साथ यहाँ 700 छोटी पहाड़ियाँ बहुत थोड़ा थकान भी हुआ इतनी ऊंचाई पे आप चढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पे, लेकिन 700 पहाड़ियाँ एक जगह छोटी छोटी पहाड़ियाँ अगर देखने को मिले तो बड़ा मनोरम दृश्य होगा। तो हम आपको ठीक उसी तरीके से ले चलते हैं जो ये टॉप पे बना हुआ है। भारत सरकार की जो इकाई है सेल वो इसको मेंटेन करती है और हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि वो 700 जो पहाड़ियाँ हैं जिन पहाड़ियों के बारे में छोटे छोटे हिल हैं जिसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है लोग देखने के लिए आते हैं। तो हम चलते चलते इस कार्यक्रम में आपको भी दिखाएं कि वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हालांकि अभी भी कुहासा नीचे उतने स्पष्ट विजन नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो ये पहाड़ियाँ देख रही हैं टीला जो आप देख रहे हैं वो लगभग 700 छोटी पहाड़ियाँ इस तरह से जो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं फॉरेस्ट के लोग वो उनका कहना है कि ये जो है जिस तरीके की पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ी आप देख रहे हैं चारों ओर इसकी संख्या 700 बताई जा रही है। एक खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, हालांकि ठंड के मौसम में कुहासा की वजह से थोड़ी कठिनाई होती है उन हिल को पूरी तौर पर देखना, लेकिन अपने आप में एक टॉप पे आने लो 250-250 फीट ऊँचाई पर आने के बाद इस तरह का नज़ारा देखिए ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो जब भी आप सरंडा जंगल की तरफ प्रस्थान करें तो उससे पहले एक टॉप हिल पे एक जगह आपको मिलेगा जहाँ के आप इस पहाड़ की छोटी छोटी कह सकते हैं टीले से आप टीले को आप देख भी सकते हैं एक मनोरम अंदाज आनंद भी ले सकते हैं। चलिए इस चलते चलते कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, फिर हम आपको पहली बार सूर्य मंदिर दिखाए, फिर आपको सूर्य मंदिर के बाद
एक ऐसे जगह पे ले गए जहाँ अर्जुन के पेड़ से पानी निकल रहा है। अभी अब टॉप हिल हम आपको दिखाते हैं और टॉप हिल के बाद हम आपको इस कार्यक्रम की समाप्ति हम सरंडा जंगल से करेंगे। क्या खास है सरंडा जंगल में? धन्यवाद।